दोस्तों, क्या आपने जून 24 में ICMA के एग्ज़ाम्स दिए थे, लेकिन किसी कारणवश आपके एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं हो पाए? तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप रीवेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए भी जा सकते हैं। अब रीवेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है और स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसीजर क्या है, हम इसी वीडियो में बात करेंगे। सो डोंट स्किप एनी पार्ट, वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहले तो ICMA की वेबसाइट खोलेंगे और हम जाएंगे स्टूडेंट सेक्शन पर। स्टूडेंट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद जाएंगे एग्जामिनेशन पोर्टल पर, और जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, लेफ्ट साइड पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं। एक तो ये है प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आंसर, और ये है ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट्स। हमें ऊपर वाले पर क्लिक करना है। हम जैसे ही ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल चुका है। ये इंटरफेस क्या है, यहाँ पर हम फॉर्म फिल कर सकते हैं फॉर री वेरीफिकेशन ऑफ आंसर पेपर। तो ऊपर टर्म पढ़ लीजिए, जून 24 टर्म आ रही है। नोट भी दे रखा है, ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड बाई कैंडिडेट, यानी एक कैंडिडेट सिर्फ एक बार ही फॉर्म फिल कर सकता है। लास्ट डेट फॉर इंटर एंड फाइनल दे रखी है 22 सितंबर, तो आप एक बार इसको भी अच्छे से चेक कर लीजिएगा। चार्जेस की बात करें तो ओनली ₹250 पर सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर करंट रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है। आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है और क्लिक हेयर पर कर देना है। आपकी आधी से ज़्यादा डिटेल्स तो ऑटोफिल हो जाएंगी। उसके बाद ये बॉक्स दे रखा है, इसमें आपने वो सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं जिनका प्री वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, और प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। अब कुछ लोगों का कहना है कि भैया हमें री वेरिफिकेशन नहीं करवाना, हमें जस्ट आंसर कॉपीज चाहिए ऑफ चेक्ड पेपर्स। तो उसका प्रोसीजर भी बहुत आसान है। अब इसके नीचे ही आपको स्क्रॉल डाउन करना है और ये ऑप्शन दिख रहा है, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट्स। अब हमारे सामने ये वाला इंटरफेस खुल चुका है। अब थोड़ा सा फर्क ये है कि वहाँ पर फीस हमारी 250 पर सब्जेक्ट थी, लेकिन प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड आंसर कॉपीज की फीस ज़्यादा है। यहाँ पर फीस है 500, और लास्ट डेट भी आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर लास्ट डेट थी 22 सितंबर, लेकिन यहाँ पर लास्ट डेट जो है 13 सितंबर है। तो आप इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी सारा प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। करंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, डिटेल्स आपकी ऑटोफिल हो जाएंगी, फिर आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं और प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। पे करने के बाद आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। एक और अपडेट ये आ रही है ICMA की तरफ से कि पहले एग्जाम फॉर्म पोर्टल फॉर इंटर एंड फाइनल, जिन्होंने दिसंबर 24 में एग्जाम्स देने हैं, उनके लिए बंद था, लेकिन अब इस पोर्टल को खोल दिया गया है। तो अगर आप दिसंबर 24 में इंटर या फाइनल या फिर फाउंडेशन के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो लास्ट डेट से पहले पहले अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लीजिए। अब एग्ज़ाम फॉर्म पोर्टल कहाँ मिलेगा ये तो आई थिंक सभी को पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ICMA की वेबसाइट पर एग्जामिनेशन पोर्टल पर जाना है, और थर्ड नंबर का ऑप्शन ही आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म। ऊपर कुछ डिटेल्स देखी हुई हैं। आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले इन डिटेल्स के बारे में जानना ज़रूरी है कि फ़ोटो का साइज़ कितना होना चाहिए, जो आपने सिग्नेचर अपलोड करना है उसका मैक्सिमम साइज़ कितना होना चाहिए। और जैसे हम ऑनलाइन एग्ज़ाम एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इंटरमीडिएट, फाउंडेशन और फाइनल सभी का ऑप्शन जो है आ रहा है। अब अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है कि कैसे CMA एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, तो उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।